दोस्तों, करीब 3 महीने पहले हमने एयरटेल फाइबर का ब्रॉडबैंड कनेक्शन यहाँ पे इंस्टॉल कराया था। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस था, कितने का प्लान हमने लिया था, वो सब कुछ हमने इस वाले वीडियो में काफी डिटेल में कवर किया था। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई इन 3 महीनों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। यहाँ पे इन्होंने अनलिमिटेड कॉलिंग लिख रखा है तो वो कैसे होता है, बाकी अनलिमिटेड डेटा ये कहते हैं लेकिन अनलिमिटेड डेटा नहीं होता है, और सारी चीजें यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। बाकी हमने यहाँ पे 499 वाला प्लान लिया था, तो यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि 499 वाला प्लान किसके लिए ही पड़ेगा, और इसी के साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो आप लाइक का बटन दबा देना और हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले इंस्टॉलेशन के लिए क्या किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या था ना कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए ना ही मैं एयरटेल थैंक्स ऐप पे गया था, ना इनके वेबसाइट पे गया था। यहाँ पे कुछ ऐसे पैम्पलेट्स भी आते रहते हैं, अगर आपके एरियाज में एयरटेल फाइबर का कनेक्शन होगा तो ऐसे कुछ वो पैम्पलेट्स बांटते रहते हैं, तो ऐसे में ये पैम्पलेट से भी आप यहाँ पे लगवा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ से भी नहीं किया था। बेसिकली हुआ क्या था कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी अभी कुछ समय पहले ही लगवाया था एयरटेल फाइबर का कनेक्शन, तो उससे हमने एजेंट का नंबर ले लिया था, जो एजेंट मतलब इंस्टॉल करके गए थे उसका वाला कनेक्शन। फिर वहां पे हमने कॉल करके डायरेक्टली उन्हीं से कहा कि भैया देखिए एक कनेक्शन लगाना था और यहाँ पे क्या क्या लगेगा, कितना चार्जेस होगा, हमने सब कुछ उनसे पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने समझाया सब कुछ, और उसके बाद यहाँ पे हमने 499 वाला प्लान, यहाँ पे जो 40 Mbps वाला प्लान होता है 499 वाला, वो हमने 6 महीने के लिए लिया है। और यहाँ पे हमसे उन्होंने डिटेल लिया, जैसे कि ईमेल आईडी पूछा, उसके बाद मोबाइल नंबर, तो जिससे हमने कॉल किया था वही वाला उन्होंने पिक कर लिया। और इसी के साथ यहाँ पे उन्होंने पैसे भी पहले जमा करवा लिए, उसके बाद यहाँ पे 1 से 2 घंटे के अंदर, जिस दिन मतलब मेरा बात हुआ था उनसे, उसी के मतलब 1-2 घंटे के अंदर वो आके यहाँ पे सारा कुछ कनेक्शन उन्होंने इंस्टॉल कर दिया था। बाकी यहाँ पे अगर आप ऐप से या फिर वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो ऐसे में यहाँ पे भाई टाइम काफी ज्यादा लगता है। बाकी ऐसे अगर पैम्पलेट्स आपके घर पे यहाँ पे कहीं से मतलब मिल जाता है, तो ऐसे में यहाँ पे क्या होता है ना कि देखिए यहाँ पे नंबर उनका मेंशन होता है, तो ऐसे मतलब अगर आप इंस्टॉल करवाने जाएंगे तो यहाँ पे भाई जल्द से जल्द इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि एजेंट का नंबर आपके पास है और आप डायरेक्टली उनको कॉल करके ही सब कुछ सेटअप करवा सकते हैं। तो अगर आप इस नंबर पे कॉल करके यहाँ पे इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो यहाँ पे भाई आपका काफी ज्यादा समय बच जाएगा। बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने 499 वाला प्लान 6 महीने के लिए लिया था, तो ऐसे में क्या था कि 6 महीने के लिए एयरटेल की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे में ये जो डिस्काउंट है ये हर सर्कल में वैलिड नहीं होता है, लेकिन हमारे सर्कल में वैलिड था। लेकिन ये जो मतलब डिस्काउंट था ये तो कम है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि हमें 6 महीने वाला प्लान 3,000 रुपए में मिल गया था, और यहाँ पे मतलब जीएसटी अगर हटा के देखा जाए तो 6 महीने वाला प्लान विदाउट जीएसटी हमें मिल गया था, 3,000 रुपए हमने दिया था टोटल, और उसी में हमारा कनेक्शन सब कुछ इंस्टॉल कर दिया था। और इसी के साथ इन्होंने डुअल बैंड का राउटर यहाँ पे नोकिया वाला हमें प्रोवाइड किया था। और इसी के साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप इंस्टॉलेशन करवाने जा रहे हैं तो एक चीज का आप ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे क्या ना कि यहाँ पे ये कनेक्शन तो इंस्टॉल कर देते हैं, ना हमें बॉक्स देते हैं ना कुछ देते हैं, मतलब राउटर और वो अपने बैग से निकाल के हमें तो दे दिया था उन्होंने ऐसे ही। बाकी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उन्होंने लैन केबल पहले तो नहीं दिया था, जब मैंने कहा कि भैया लैन केबल भी तो आता है तो लैन केबल भी दीजिए, तो ऐसे में क्या था कि उन्होंने लैन केबल निकाल के बैग से दिया तो, लेकिन हमने एक बार रिक्वेस्ट किया कि भैया एक लैन केबल और दीजिए, हमारे पास 2 डिवाइसेस है मतलब लैपटॉप है, तो हम डायरेक्टली राउटर से कनेक्ट करके यहाँ पे इंटरनेट यूज करेंगे। तो ऐसे में उन्होंने 2 LAN केबल हमें प्रोवाइड कर दिया, तो वो काफी अच्छी बात थी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि वो भाई ऐसे स्कैम करते रहते हैं किसी ना किसी के साथ, तभी तो उनके पास इतना सारा लैन केबल पड़ा था। तो ऐसे में भाई थोड़ा मतलब देख लेना और लैन केबल भी ले लेना आप, काफी ज्यादा मतलब सही रहता है। अगर आप लैपटॉप में इंटरनेट यूज करते हैं तो डायरेक्टली आप राउटर से कनेक्ट करके यहाँ पे अपने लैपटॉप में इंटरनेट काफी हाई स्पीड एक्सेस कर सकते हैं। बाकी हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस से मुझे याद आया कि यहाँ पे ये डुअल बैंड का राउटर देते हैं, तो यहाँ पे एक 5G वाला होता है और बाकी यहाँ पे एक नॉर्मल वाईफाई का नाम आपको दिखता है। तो अगर आप राउटर से करीब रहते हैं मतलब बहुत ज्यादा नजदीक रहते हैं तो आप 5G वाला कनेक्ट करना, इसमें स्पीड काफी बेहतर मिलता है। और इसी के साथ जो दूसरा है, इसमें क्या है ना कि स्पीड कम मिलता है लेकिन रेंज इसका ज्यादा होता है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए जो यहाँ पे राउटर से काफी दूर रहते हैं। तो बेसिकली हमारा जहाँ पे सेटअप हुआ है वहां पे क्या है कि एक रूम मतलब 3 रूम है और वहां पे एक रूम के अंदर लगा हुआ है, तो तीनों रूम में काफी सही स्पीड हमें देखने के लिए मिलती है। अब स्पीड की बात हो रही है तो मैं स्पीड के बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना कि लैपटॉप में हमें अभी तक क्या है कि यहाँ पे कुछ 40 Mbps से ऊपर का स्पीड हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन फोन के अंदर यहाँ पे हमें 25-30 Mbps का स्पीड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे ये जो अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड करते हैं ना, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 3300 GB आपको मिलता है 1 महीने के अंदर, यानी कि 3.3 TB का यहाँ पे आपको डेटा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये अनलिमिटेड कॉलिंग कहते हैं, तो ये अनलिमिटेड कॉलिंग हम कैसे कर सकते हैं।
हैं। तो इसके लिए देखिए क्या है कि आपको यहाँ पे फाइबर कनेक्शन के साथ लैंडलाइन कनेक्शन भी ये प्रोवाइड करते हैं, उसी में यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग आपको देखने के लिए मिलता है। तो रिसेंटली क्या है ना कि हमने यहाँ पे एक लैंडलाइन फोन मंगाया था और यहाँ पे हमने टेस्ट किया पूरा, हमने सेटअप किया और इस वाले वीडियो में सब कुछ डिटेल में कवर भी किया था। अगर आपको डिटेल में जानना है तो जाके वो वीडियो भी देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो कॉलिंग करना है तो आप लैंडलाइन फोन कनेक्ट कर लेना और यहाँ पे आप कॉलिंग भी कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो लैंडलाइन कनेक्शन ये प्रोवाइड करते हैं ये सभी एरियाज में नहीं होते हैं। अब मैं तो रहता हूँ लखनऊ में, तो यहाँ पे भाई ये लैंडलाइन कनेक्शन भी देते हैं उसी के साथ, बट ये सभी एरियाज में अवेलेबल नहीं है। बाकी इनका जो भी डिटेल है फाइबर से रिलेटेड, प्लान कब खत्म होगा और सारी चीजें, वो आप एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। वहीं पे सब कुछ डिटेल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो भी प्लान्स होगा, जितने दिन बचा होगा और कब एक्सपायर होगा, सब कुछ आप वहाँ से देख सकते हैं। इवन यहाँ पे आप जो राउटर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है उसका आप पासवर्ड भी वहीं से चेंज कर सकते हैं। तो सब कुछ वो एक्सेस अपने ऐप के अंदर देते हैं जो कि एयरटेल थैंक्स ऐप के अंदर। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस जो था एयरटेल फाइबर कनेक्शन के साथ वो काफी सही रहा, मतलब कोई भी मुझे दिक्कतें नहीं हुई इन 3 महीनों के अंदर। बाकी 3 महीने और यूज कर लूंगा, उसके बाद आपको एक और रिव्यू दे दूंगा। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। बाकी 499 वाला जो प्लान है हमने इस बेसिस पे लगवाया था कि हम यहाँ पे मतलब 3 रूम है, हमने एक रूम में सेटअप करवाया था और हर रूम में यहाँ पे 2-2 लोग रहते हैं, तो मतलब कुल मिला के 4-5 लोग रहते हैं। तो ऐसे में सभी को इंटरनेट की काफी ज्यादा जरूरत थी, तो वो चीजें फुलफिल होती है। बाकी कॉलिंग के लिए सभी अपना नंबर वो सस्ते प्लान से रिचार्ज कर लेते हैं, अपना कॉलिंग के लिए करते हैं, और बाकी बाहर के लिए 1-2 GB का डेटा रहता ही रहता है उनके फोन में, वहां से वो UPI वाला काम कर लेते हैं। बाकी रूम पे जब रहते हैं तो हम भरपूर यहाँ पे इंटरनेट का यूज करते हैं और 40 Mbps का स्पीड ठीक ठाक मतलब मिल जाता है। बाकी अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिली, जो भी हमने सोच के लगवाया था वो सब कुछ एकदम स्मूथली चल रहा है। तो ऐसे में मुझे एयरटेल फाइबर कनेक्शन से अभी तक तो कोई भी दिक्कतें नहीं हुई हैं। बाकी मैं 6 महीने के बाद एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बता देना। बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय।